here chapter 3. Today we will discuss the properties of life skills. The first property is assertiveness. Assertiveness is a behavioral skill that helps to communicate clearly and confidently our feelings, needs, wants and thoughts. देखिए ये जो आपका assertiveness वाली quality है, जो skill है, वो किस पर depend करता है? Communication skill पर. आप अपनी फीलिंग्स को, व्यूज को कितने सही तरीके से लोगों के सामने रख पाते हैं. अगर आपको किसी को ना भी कहना है, सपोज कि आप किसी चीज़ के लिए किसी को ना बोलना चाहते हैं, तो भी आप अपना पक्ष इस तरह से रखते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे. हम्बल वे में आप अपनी बात रख देते हैं और लोग उसकी निगेटिव साइड ढूंढ ही नहीं पाते. दिस इज कॉल्ड असर्टिवनेस. If you are assertive, you feel confident and have high self-esteem and a solid sense of your own identity. ऐसे लोग क्या होते हैं? Stress generate होने पर भी क्या कर लेते हैं? अपनी assertiveness quality के through उसको overcome कर जाते हैं. Okay? The second is time management. Time management is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities. The way you spend your time determines the quality of your life. जिस तरह से भी हम अपने time को बिताते हैं, अपने time को spend करते हैं, वो क्या करता है? वो determine करता है हमारी जो quality of life है, उसको determine करता है कि हम किस तरह की life को आगे जाके spend करेंगे, वो हमारे किस पे depend करता है? आपके time management पे. और आज हम time को waste कर रहे हैं, ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में अपने टाइम को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? स्ट्रेस ही जनरेट करेगा. जब आगे की लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो हमने टाइम पहले वेस्ट किया था, तो वहाँ पर क्या होगा? सक्सेस हमसे बहुत दूर चली जाएगी. ठीक है. सो लर्निंग हाउ टू प्लान टाइम एंड डेलीगेट कैन हेल्प टू रिलीव द प्रेशर. तो हम जब अपने टाइम को तरीके से मैनेज करके चलेंगे, तो वो क्या करेगा? हमें जो प्रेशर है, प्रेशर वो आने ही नहीं देगा. जब हम अपने टाइम को मैनेज करके चल रहे हैं, जो हमारी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको हम पहले से कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को प्रीफरेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? अननेसेसरी चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होगा. जब हमने टाइम मैनेजमेंट पहले से ही बना लिया, डिसाइड कर लिया है, तो वहाँ पर क्या है? प्रेशर हमारे माइंड को झेलना नहीं पड़ेगा. टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप यही है, स्पेंड योर टाइम डूइंग द थिंग्स डैट यू वैल्यू. ये जो आपको गोल अचीव करने में हेल्पफुल हो, ऐसी चीज़ों के लिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट सेट करें. वी शुड नॉट फॉरगेट स्टूडेंट्स दैट एवरी पर्सन हैज 24 आवर्स एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स व्हाइल देयर आर सम आर हु से टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें? सो वी शुड मैनेज अवरसेल्फ. सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, इससे ज़्यादा तो किसी के पास नहीं होते हैं. तो इसी में कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर लेते हैं और कुछ क्या कहते हैं? टाइम ही नहीं है. तो वो क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या है कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट. उन्होंने जो अपना टाइम है उसको मैनेज नहीं किया सही तरीके से. जो वैल्यूबल थिंग्स हैं, जो चीज़ें उनकी लाइफ के लिए आगे अच्छी हो सकती हैं, तो उन्होंने क्या किया है? उनको प्रीफरेंस ही नहीं दी है. ओके. Rational thinking. Many stress related problems occur as a result of distorted thinking. The way you think and the way you feel are closely connected. Rational thinking का क्या meaning है यहाँ? Rational thinking का meaning है positive सोचना, अच्छी चीज़ों को सोचना. When we are stressed, we have an inbuilt selective bias to attend टू नेगेटिव थाट्स एंड इमेजेस फ्रॉम द पास्ट. आप लोगों ने खुद से भी फील किया होगा बेटा कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आने लगते हैं हमारे माइंड में. ठीक है. बुरी चीज़ों को, नेगेटिव थाट्स को हमारा माइंड उस समय फील करने लगता है जब हम क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड होते हैं. विच अफेक्ट आवर परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. अब अगर वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस को हर समय जो है सोचते रहें, एक तो स्ट्रेसफुल इवेंट हमारी लाइफ में पहले ही आ गई. ठीक है. अब उस स्ट्रेसफुल इवेंट को हम पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ ये जोड़ दें कि मेरे साथ ही ऐसा होता है और मेरे साथ पहले भी ये हुआ है. जितनी भी पास्ट में आपके साथ बुरी बुरी इवेंट्स हुई हैं, बुरी बुरी इंसिडेंट्स हुई हैं, उन सबको आप फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए जोड़ दोगे, तो वो क्या करेंगी? आपका फ्यूचर भी स्पॉइल करेंगी, साथ साथ आपका प्रेजेंट भी स्पॉइल करेंगी. सो हमें क्या करना है?
अपनी जो थिंकिंग है वो रैशनलाइज करनी है, ठीक है, पॉजिटिव सोचना है, जो चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती, जो पास्ट में चीज़ें चली गई हो गई, तो उन चीज़ों को अगर हम सोचेंगे भी तो भी हम उनको चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें प्रेजेंट में हैं उनको हम कंट्रोल मैनर में लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, ना कि जो पास्ट की चीज़ें उनके बारे में सोच के अपना जो है प्रेजेंट और फ्यूचर वो स्पॉइल करें। स्ट्रेस होने पर हम क्या करते हैं, इरेशनल थिंकिंग में निगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ओके? तो उस समय हमें क्या करना है, स्ट्रेस होने पर हमें लॉजिकली थिंकिंग को जगह देनी है अपने माइंड में कि ठीक है, अब जो चीज़ आ गई हमारे सामने उसे हैंडल तो करना ही है, उसे कंट्रोल तो करना ही है, और ये सोचना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स सॉल्यूशन ऑल्सो, ओके? द नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स। द की टू अ साउंड लास्टिंग रिलेशनशिप इज कम्युनिकेशन। दिस कंसिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल स्किल्स, लिसनिंग टू वॉट द अदर पर्सन इज सेइंग, एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील एंड वॉट यू थिंक, एंड एक्सेप्टिंग द अदर पर्सनस ओपिनियन एंड फीलिंग्स इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अस टू अवॉइड मिसप्लेस्ड जेलसी एंड सल्किंग बिहेवियर। रिलेशनशिप इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर एवरीवन। अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो हमारा अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से हमारा सामना भी हो जाता है तो हम उसको फेस कर जाते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, बहुत हेल्प कर सकते हैं हमारे स्ट्रेस को कम करने पर। बट यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि इन्होंने ये 3 चीज़ें बताई हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमें क्या होना चाहिए, दूसरों की बातें सुनने का भी हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि दूसरों को सुनना नहीं चाहते, उनका क्या होता है लिसनिंग जो स्किल है वो तो होता नहीं है, सिर्फ उनमें क्या होता है स्पीकिंग स्किल होता है, दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उससे कोई इनको लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ अपना कहना है, अपनी चीज़ें दूसरों को सुनानी है, तो वो चीज़ें हमें डेवलप नहीं करनी है। दूसरों की बातों को भी आप ध्यान से सुनिए, दूसरा क्या कहना चाह रहा है। बेटा आपने अपनी जनरल लाइफ में भी कई बार ये चीज़ें फेस की होंगी, कई बार हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर हम इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई पर्सन आपने देखा होगा जिसकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होती है लेकिन उसमें लिसनिंग स्किल अगर अच्छी नहीं है तो वो क्या करता है कि आपने उसको कोई मैसेज किया तो बिना उस मैसेज को ढंग से पढ़े हुए वो उसका रिप्लाई कर देता है, ठीक है, अरे आप पहले पढ़ तो लीजिए कि किसी ने मैसेज क्या किया है आपको, उसके बाद ही रिप्लाई करिए। उसके बाद अगेन वो क्या करता है, अपना जो मिस्टेक है उसको दिखाई रियलाइज़ हो जाती है, फिर वो उसको डिलीट करेगा मैसेज को कि ओ सॉरी इस तरह से नहीं था, मैंने आपका मैसेज ध्यान से नहीं पढ़ा। तो ये क्या शो करता है, यहाँ पर भी अगर साइकोलॉजी का बंदा है, साइकोलॉजी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है, वो तुरंत से एनालाइज कर लेगा कि उस बंदे के अंदर स्पीकिंग एबिलिटी तो है पर लिसनिंग एबिलिटी नहीं है। ऐसे लोग कैसे होते हैं आप एनालाइज कर सकते हैं तुरंत से, ऐसे लोग क्या होते हैं लैग पुलिंग करने वाले होते हैं दूसरों की, ठीक है, दूसरों की गलतियों को तुरंत निकालना और लैग पुलिंग करना और अपना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा कि आगे की लाइफ में आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो आप अपने अंदर लिसनिंग एबिलिटी भी बनाइए, अगर आपके अंदर स्पीकिंग एबिलिटी है तो लिसनिंग एबिलिटी भी जनरेट करिए, जिससे आप एक कंप्लीट पर्सन के रूप में लोग आपको पहचाने, ना कि लोग आपके लिए बोलें कि हाँ बोलना ही जानता है सुनना नहीं जानता। तो जो ये इम्प्रूविंग रिलेशनशिप है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लिसनिंग कैपेसिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, जिस तरह से आप अपनी बातें दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो आप दूसरे की भी तो सुनिए कि दूसरा क्या कहना चाहता है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील एंड व्हाट यू थिंक एंड एक्सेप्टिंग द अदर्स पर्सन्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स। अब यहाँ तो आ गई आपके अंदर लिसनिंग एबिलिटी, अब आप अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हो, आपकी अपनी खुद की थिंकिंग क्या है और आपके खुद के व्यूज़ क्या हैं, ये भी आप ढंग से अगर तरीके से दूसरे लोगों को समझा सकते हैं तो ये भी स्ट्रेस को बहुत कुछ कम कर सकता है। जैसे कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि वो अपनी बात जो है दूसरे लोगों के आगे सही तरह से रख नहीं पाते, ठीक है,
अब क्या होता है कि ये भी स्ट्रेस को जनरेट करता है, क्योंकि जब तक आप अपनी बात दूसरों को नहीं समझा पाओगे तो दूसरे को क्या पता चलेगा आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। तो वहाँ ज़रूरी है कि लिसनिंग स्किल भी हो आपके पास और स्पीकिंग स्किल भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है, एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन्स ओपिनियन एंड फीलिंग्स इवन इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर ओन। इट मीन्स कि लोगों को एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं, आप अपनी चीज़ें अपने ओपिनियन अपने व्यूज़ दूसरे पर क्यों इम्पोज कर रहे हैं। अरे दूसरे पर्सन का परसेप्शन अलग है, आपसे अलग थिंकिंग है, तो ठीक है उसके ओपिनियन भी अलग होंगे। आप अपनी बातों को अपने व्यूज़ को दूसरों पर नहीं इम्पोज कर सकते, तो जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करने की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। जो अगर वो आपसे डिफरेंट भी हैं तो भी आप उनको एक्सेप्ट करिए कि ठीक है हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है। जैसे आप लोग क्लास के अंदर 14 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर क्या है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर कोई बच्चा अलग सोचता है। तो वहाँ पे अगर आप ये सोचने लगें कि ये मेरी तरह क्यों नहीं सोचता, इसको ऐसे करना चाहिए इसको, तो ये चीज़ गलत है। आप अपने व्यूज़ को किसी दूसरे के ऊपर कैसे इम्पोज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो वो क्या करता है, कन्फ्लिक्ट्स जनरेट करता है। तो उन कन्फ्लिक्ट से बचने का क्या तरीका है कि आप जो पर्सन जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। इफ वी कीप ourselves हेल्दी फिट एंड रिलैक्स्ड वी आर बेटर prepared फिजिकली एंड इमोशनली टू टैकल द स्ट्रेसेस ऑफ everyday लाइफ। आर ब्रीदिंग patterns reflects our स्टेट ऑफ माइंड एंड emotions. When वी आर stressed और anxious, we tend towards rapid and shallow breathing from high in the chest with frequent sighs. क्या होता है इसमें कि जब हम stressful situation में होते हैं या फिर जो हमारा माइंड है वो ऐसी चीज़ों को ऐसी इमोशंस को कैरी किए हुए है जो नेगेटिव हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो रिफ्लेक्ट कर देता है कि हाँ जो हमारा माइंड है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में है। ओके, इसे हम अपनी बॉडी को मेंटली एंड फिजिकली फिट रख सकते हैं। कैसे, अगर हम अपने आप को ये सोच कर चलें कि ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, अगर सेल्फ केयर वाली एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, एक पैटर्न हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि हमें अपना ध्यान रखना है, तो आप निगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई कि ये चीज़ें हार्मफुल हैं, अगर आपने ये देखा कि स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो रहा है, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे। अगर आपके अंदर सेल्फ केयर की क्वालिटी है तो वहाँ पर क्या करोगे, आप स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे, सिचुएशन को कंट्रोल करोगे। ओके, द नेक्स्ट इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। अनहेल्पफुल हैबिट्स सच एज परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, प्रोक्रास्टिनेशन एक्सेट्रा आर स्ट्रेटजीज डेट हेल्प टू कॉप इन द शॉर्ट टर्म बट विच मेक वन मोर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। देर आर सम टेक्निक्स विच आर हेल्पफुल फॉर ओवरकमिंग ऑन अनहेल्पफुल हैबिट्स, लाइक आपकी जो प्रोकास्टिनेशन है, परफेक्शनिज्म है, अवॉइडेंस है, ये सब क्या हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सो कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अब आपका जैसे क्या है, प्रोकास्टिनेशन क्या है, प्रोकास्टिनेशन मीन्स पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू, मीन जब हम कल कर लेंगे वाली टेंडेंसी के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं कि ठीक है कि जबकि हमें पता है कि वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने उस काम को अभी नहीं किया तो आगे जाके वो स्ट्रेस जनरेट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट हम क्या करेंगे, ठीक है हो जाएगा, चलो अभी कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो वो क्या है, प्रॉब्लम जनरेट होती है हमारे लिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की, पीपल हु प्रोकास्टिनेट आर डेलिबरेटली अवॉइडिंग कंट्रोलिंग देयर फियर्स ऑफ फेलियर और रिजेक्शन। ऐसे लोग जो प्रोकास्टिनेशन वाली उसको के हैबिचुअल हो जाते हैं प्रोसेस के, वो क्या करते हैं, अपने जो फेलियर्स होते हैं, जो भी उनकी लाइफ में फेलियर्स जिस भी चीज़ में वो होते हैं फेस करते हैं, उनके जो फियर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उनसे बचने का रास्ता ढूंढते हैं, अभी नहीं चलिए बाद में देख लेंगे, तो वो क्या है, एक तरह से अवॉइड करना होता है। अवॉइड करना मीन कि जिन चीज़ों को हमें करना है, पता है कि हमें करना ही करना है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो आपको देने ही देने हैं बोर्ड के, अब उसके लिए आप अभी सोचें कि अभी तो 2 मंथ हैं,
2 month रहने जब ख़त्म हो जाते हैं, आपका 1 month रह जाता है, तो अभी अभी चलो 15 days पहले हम वो कर लेंगे, तो वो क्या है? वो प्रोकास्टिनेशन है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको एक साइड रख रहे हो, और उसकी जगह क्या कर रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या था? आपका एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस थी, तो एग्ज़ाम्स तो आपको देने ही देने हैं, लेकिन आपने क्या करा, वहाँ पर अपने टाइम मैनेजमेंट सही तरह से नहीं किया, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं थी आपने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी अपनी लाइफ में, जो इम्पोर्टेंट थी उसको एक साइड रख दिया, तो वो भी स्ट्रेस जनरेट करेगा आपका। अब है आपका परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिस्ट आर पर्सन हु हैव टू गेट एवरीथिंग जस्ट राइट। ऐसे लोग वो होते हैं, उनके हर काम में जो है परफेक्शनिज्म चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ में जरा सा भी वेरिएशन नज़र नहीं आना चाहिए, जबकि कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसा पर्सन उस काम को तब तक करता ही रहता है, कब तक करता ही रहता है, जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। सो ऐसे लोग हमेशा टेंस्ड रहते हैं। ओके, इट इज़ गुड टू बी अ परफेक्शनिस्ट, बट जहाँ हम एडप्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जहाँ पर थोड़ा बहुत 100% की जगह हमें 95% मिल रहा है किसी भी काम में, तो ठीक है, इट्स ओके, वहाँ हमें कर लेना चाहिए। बिकॉज परफेक्शनिस्ट आर मोर लाइकली टू फील टेंस्ड एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलैक्स, आर क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। वो अपने लिए भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के पास अपना कुछ वर्क दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो परफेक्शनिज्म वाला जो क्वालिटी है वो हमारे काम में भी देखना चाहेंगे, वो 10 बार रिजेक्ट करेंगे, 20 बार रिजेक्ट करेंगे, तो वो खुद के लिए तो है ही प्रॉब्लमेटिक, वो दूसरे लोगों के लिए भी क्या करते हैं, स्ट्रेस जनरेट करते हैं। ओके, अनदर अनहेल्पफुल हैबिट इज अवॉइडेंस। अवॉइडेंस क्या है? जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे फेस करने के बजाय क्या करें, अवॉइड कर दें, उससे बचने की कोशिश करें। ये क्या है, अनहेल्पफुल हैबिट हो सकती है, क्योंकि हर एक सिचुएशन स्ट्रेस ऐसा नहीं होता कि उसे अवॉइड किया जाए। जैसे अभी मैंने आपका एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल दिया है, हम उसको अवॉइड तो नहीं कर सकते ना, एग्ज़ाम तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो हमें उस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ता है जिस सिचुएशन को हम फेस करना नहीं चाह रहे, ठीक है। जहाँ हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस को अवॉइड तब तक ही करना चाहिए जब तक हमारे पास कोई रिसोर्स ही ना हो उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाने का। ओके, ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है उसमें आपके पास एक टाइम भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसे अवॉइड किए जा रहे हैं, अवॉइड किए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? लास्ट दिन जिस दिन एग्ज़ामिनेशन होगा, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। ऑब्वियसली आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसे आप खुद से फेस नहीं करना चाहते होंगे। ओके, तो अवॉइड तब तक ही करना चाहिए जब हमारे पास रिसोर्सेस ना बचे हों। नाउ वी विल डिस्कस द फैक्टर्स डेट फैसिलिटेट पॉजिटिव हेल्थ आर। कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो हमारी जो हेल्थ है उसको पॉजिटिविटी देते हैं? वो हैं, डाइट हो गई आपकी, एक्सरसाइज है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट है। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट डाइट। अ बैलेंस्ड डाइट कैन लिफ्ट वंस मूड, गिव मोर एनर्जी, फीड मसल्स, इम्प्रूव सर्कुलेशन। जो बैलेंस डाइट है वो क्या करती है, हमारा जो मूड है उसको भी, अगर मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है किसी बंदे में, अगर उसको प्रॉपर डाइट मिल रही है, तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक हम उसको लिमिट में कर सकते हैं। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, प्रॉपर डाइट अगर हम ले रहे हैं, हमारी जो मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। ओके, द की टू हेल्दी लिविंग इज़ टू ईट 3 main meals अ डे एंड ईट अ वेरीड वेल बैलेंस्ड डाइट। व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड वी सीक कम्फर्ट फूड विच आर हाई इन फैट्स, सॉल्ट एंड शुगर। अब जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं, कम्फर्ट फूड की तरफ तो चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बिकॉज दे आर हाई इन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। ओके, सो वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ कम्फर्ट फूड एंड वी शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट। सेकेंड इज एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज भी हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है उसका, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस को, एंड ये रिड्यूस करती है आपकी टेंशन को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को भी। सो वी शुड टेक एक्सरसाइज। पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग कैन बी रियलाइज्ड बाय हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम हर चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे,
तो क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है वो भी पॉजिटिव रहेगी। ओके, अब क्या करते हैं कि हम परसेप्शन हमारा जो चीज़ों को लेके होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता चला जाता है, तो उसी तरह से जो हमारी हेल्थ भी उससे अफेक्टेड होती है। स्ट्रेसफुल हम जब रहेंगे तो हमारा वो नज़रिया जो है, जो हमारा परसेप्शन है चीज़ों को लेके, वो निगेटिव है, तो वो हमारी हेल्थ पर निगेटिव इफेक्ट ही डालेगा। सो वी शुड टेक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी पर्सनैलिटी में कैरी करना चाहिए, वो भी रिड्यूस करती है स्ट्रेस को। ओके, ऑप्टिमिस्ट यूज़ मोर प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड सीक एडवाइस एंड हेल्प फ्रॉम अदर्स। पैसिमिस्ट इग्नोर द प्रॉब्लम और सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। जो पैसिमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, सोर्सेज भी इग्नोर कर देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने का अगर कोई सॉल्यूशन उनको दिखाई भी दे रहा होता है, रिसोर्सेज उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो किस में फंसे रह जाते हैं, निगेटिविटी में, उनकी जो थिंकिंग है वो निगेटिव हो गई, तो रिसोर्सेज में उनके पास अवेलेबल होने पर भी वो उनको यूज़ नहीं कर पाते। सो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। फिर है आपका सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट इज डिफाइंड एज द एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन हुम वी कैन रिलाई अपॉन पीपल हु लेट अस नो डैट दे केयर अबाउट वैल्यू एंड लव अस। कुछ ऐसे लोगों का साथ भी हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है, जो हमारी केयर करते हैं, जो हमें समझते हैं और जिनके लिए हम मैटर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोशल सपोर्ट नहीं है तो कई बार इंसान जो है पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, सब कुछ है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो डाइट भी ले रहा है, लेकिन सोशल सपोर्ट नहीं है तो वहाँ पर भी क्या होता है, वो स्ट्रेस का जो आपका एक जाला है मकड़ी जैसा, उसमें वो फंस जाता है, उसमें से बाहर निकल पाता, तो सोशल सपोर्ट भी ज़रूरी है। ओके,